हाई गाइज़ माई नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सो इस वीडियो में भी हम लोग अपना डीप लर्निंग प्ले लिस्ट कंटिन्यू करने वाले वीडियो स्टार्ट करने के पहले आई वुड लाइक टू से सॉरी बिकॉज अराउंड आठ दिनों से या नौ दिनों से मैंने इस प्ले लिस्ट को अपडेट नहीं किया आई एम रियली सॉरी बट द रीजन वॉज आई वॉज ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग क्वाइट अलॉट और साथ ही साथ मेन्टोरशिप वाला प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ था तो दोनों चीज़ें साथ में करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था आई होप यू कैन अंडरस्टैंड तो गोइंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू बी मोर कंसिस्टेंट सो आज का वीडियो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था आर कैसे काम करते हैं हमने फॉरवर्ड प्रपोगेशन समझा था आर के अंदर बहुत डिटेल में अब आज के वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाना चाहता हूँ कि आप आर को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग केरास ठीक है तो हम लोग एक छोटा सा केस स्टडी ले रहे हैं जहाँ पर हम सेंटिमेंट एनालिसिस परफॉर्म करेंगे यूजिंग केरास एंड आर एन एन ऑब्वियसली द गोल ऑफ दिस वीडियो इज़ नॉट टू गेन हाइयर एक्ूरेसी मतलब एक्यूरेसी के पीछे हम लोग नहीं जा रहे बहुत तगड़ा मॉडल बनाने के पीछे नहीं जा रहे बट द मेन गोल इज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि पूरा का पूरा फ्लो कैसे काम करता है आप आर एन एन को यूज़ करके एक सेंटिमेंट एनालिसिस प्रोजेक्ट बनाते कैसे हो ठीक है तो कुछ नई चीज़ें आप सीखोगे हम लोग दो अलग अप्रोचेज यूज करेंगे और uh, उससे आपको काफ़ी आइडिया लगेगा आगे के प्रोजेक्ट्स बनाने में ठीक है सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड और आपका टाइम वेस्ट नहीं करते लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो गाइस आरएनएन यूज़ करके आपको अगर सेंटिमेंट एनालिसिस परफॉर्म करना है तो जनरली आपको जो डेटा सेट मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा कि आपके पास इनपुट में टेक्स्ट होगा और आउटपुट में आपके पास वन या ज़ीरो इस तरीके से लेबल्स होंगे वन का मतलब पॉजिटिव सेंटिमेंट ज़ीरो का मतलब नेगेटिव सेंटिमेंट और आपको इस डेटा के ऊपर एक सेंटिमेंट एनालिसिस मॉडल बनाना होगा यूजिंग आर अब इस पूरी चीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप सबसे पहले इस टेक्स्ट डेटा को किसी तरीके से नंबर्स में कन्वर्ट कर दो या फिर आप वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दो बिकॉज आपका जो आर एन एन मॉडल है वो सिर्फ नंबर्स या वेक्टर्स के ऊपर काम करेगा राइट right? तो इस वीडियो में मैं आपको दो अलग वर्क फ्लोज बताऊंगा कि कैसे आप अपने टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो ठीक है तो जो पहला टेक्निक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटीजर एनकोडिंग टेक्निक और दूसरा एक बहुत पॉपुलर टेक्निक यूज किया जाता है डीप लर्निंग में उसको बोला जाता है एम्बेडिंग्स ठीक है ये दोनों टेक्निक्स में आपको दिखाने वाला हूं पहले लेट्स फोकस ऑन इंटीजर एनकोडिंग सो मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि इंटीजर एनकोडिंग में आप टेक्स्ट को वेक्टर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे सो so, सबसे पहले आप क्या करोगे आप वो कैबलरी फॉर्म करोगे वो कैबलरी का मतलब आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में कितने यूनिक वर्ड्स हैं जैसे यहां पर यू कैन सी इसमें देर आर फाइव यूनिक वर्ड्स ठीक है फिर आप क्या करोगे हर यूनिक वर्ड को एक इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड करोगे एक इंडेक्स प्रोवाइड करोगे जैसे हाई हो गया वन देर हो गया टू हाउ हो गया थ्री आर फोर यू फाइव ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो आप बेसिकली इन सेंटेंसेस को रिप्लेस कर दोगे उनके इंडेक्स वैल्यू से जैसे कि जो सेंटेंस वन है हाई देर उसके बदले आ जाएगा वन एंड टू और जो अगला सेंटेंस है उसके बदले आ जाएगा थ्री फोर एंड फाइव ठीक है अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं इनको जब आपने नंबर में कन्वर्ट किया तो फिर इनका साइज डिफरेंट है बिकॉज नंबर ऑफ वर्ड्स अलग अलग है तो फिर आप थर्ड स्टेप में क्या करोगे आप पैडिंग करोगे ठीक है पैडिंग का मतलब सबको सेम साइज़ में लेके आओगे सो so बेसिकली आप क्या करोगे कि आप ये जो ऊपर वाला सेंटेंस है इसमें लास्ट में या फिर पहले एक ज़ीरो ऐड कर दोगे ठीक है और अब आपके पास आपके वेक्टर्स आ गए जो बराबर साइज़ के हैं और एक बार अगर आपके पास ये वेक्टर्स आ गए तो अब आप इसको आर के अंदर भेज करके ट्रेन कर सकते हो ठीक है तो मैं आपको जल्दी से ये पूरा वर्क फ्लो केराज में करके दिखाता हूँ जहाँ पर हम क्या करेंगे पहले देखेंगे कि टेक्स्ट को वेक्टर में कैसे कन्वर्ट किया गया और उसके बाद हम उसको एक आर एन एन में भेजेंगे टू ट्रेन सो so गई मैंने कोड पहले से लिख रखा है मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ सो so, सबसे पहले हमने नम्पाई को इम्पोर्ट किया है उसके बाद ये रहा मेरा डॉक्यूमेंट सो so, इसको आप हमारे इनपुट डेटा की तरह समझ सकते हो हमारा ठीक है 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 इस इस के अंदर every item is one sentence, right? अब सबसे पहले आपको आपको क्या करना है? कि आपको अपने इस पूरे document को tokenize करना कि कि अपने पूरे को को मतलब मतलब करने का मतलब है कि आप उसको वर्ड बाय वर्ड अलग करोगे अगर कोई कैपिटल लेटर है तो उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करोगे स्पेशल को रिमूव करोगे तो इस तरह की सारी चीजें आप टोकनाइजर के अंदर करते हो सो so, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर टोकनाइजर केराज में ऑलरेडी है आप उसको इम्पोर्ट कर रहे हो और उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो और यहाँ पर आप एक पैरामीटर पास कर रहे हो ओ वी टोकन सो ओ वी होता है आउट ऑफ वो कैबलरी टोकन सो मैंने यहाँ पे नितिश लिख दिया आप एक्चुअली कुछ भी लिख सकते हो अः uh, आप यहाँ पे नथिंग भी लिख सकते हो सो ये ओ वी टोकन का मतलब ये है कि मान लो आपने डेटा को अपने मॉडल को इस डेटा के ऊपर ट्रेन किया राइट अब कल को प्रिडिक्शन के टाइम पे हो सकता है कि जब आप कोई नया टेक्स्ट दो उसमें कोई ऐसा वर्ड हो जो हमारे ट्रेनिंग डेटा में ना हो तो फिर उसको कैसे हैंडल करना है वही तरीका है ओवी टोकन हम हर नए वर्ड को इस नथिंग वर्ड से रिप्लेस कर देंगे ठीक है दैट्स इट सिंपल सा फंडा है अब आप क्या कर रहे हो आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया टोकनाइजर आप फिट ऑन टेक्स्ट बोल करके एक मेथड है उसको कॉल कर रहे हो और इस डॉक्यूमेंट को पास कर रहे हो ठीक है तो इन अ वे टोकनाइजर अपना काम कर देगा टोकनाइजर दो तीन चीजें करता है वर्ड बाय वर्ड अलग कर देगा ऑल्सो बिहाइंड द सीन्स इंडेक्सेस जनरेट कर देगा जितने भी कैपिटल लेटर्स है उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा तो दैट इज वाई आप केरास का टोकनाइजर यूज करते हो बिकॉज काफी सारी चीजें बिहाइंड द सीन्स हैंडल हो जाती है ठीक है तो एक बार जैसे ही आपने फिट ऑन टेक्स्ट कर लिया अब आपका ये जो टोकनाइजर ऑब्जेक्ट है इसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाता है जैसे कि एक एट्रीब्यूट होता है वर्ड इंडेक्स अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि कितने यूनिक वर्ड्स हैं आपकी वोकैबलरी में और आपके टोकनाइजर ने उसको क्या इंडेक्स अलॉट किया है जैसे नितिश को वन किया है ओ बी वोकेबलरी फिर से रन करते हैं इनफैक्ट शुरू से रन करते हैं ये रहा हमारा वर्ड काउंट फ्रीक्वेंसी जो है वो वन पे आया इंडिया टू पे आया जीतेगा थ्री पे आया और इस तरीके से हमने हमारे वोकैबलरी के हर वर्ड को एक इंडेक्स असाइन कर दिया ठीक है अब अगर आप चाहो तो आप ये भी पता कर सकते हो कि हर वर्ड कितनी बार आया फ्रीक्वेंसी काउंट आप निकाल सकते हो यूजिंग वर्ड काउंट्स एट्रीब्यूट ठीक है जैसे आपने इसको चलाया तो आपको ये दिख जाएगा कि हर वर्ड कितनी बार आया जैसे इंडिया चार बार आया ठीक है थीके? इसके अलावा और भी चीजें हैं आप ये देख सकते हो कि आपके डॉक्यूमेंट में कितने सेंटेंसेज हैं बेसिकली नंबर ऑफ रोज आप निकाल सकते हो यूजिंग डॉक्यूमेंट काउंट ठीक है तो यहां तक हमने कर लिया जो फर्स्ट पार्ट था आपने इंडेक्सेस जनरेट कर लिए ये जो वन टू थ्री फोर फाइव हमने किया था ये इंडेक्सेस आपने जनरेट कर लिए अब आप क्या करोगे ऑकनाइजर के अंदर एक फंक्शन होता है एक मेथड होता है टेक्स्ट टू सीक्वेंस और उसमें आप अपना डॉक्यूमेंट को भेज दोगे और जैसे आप ये करोगे आपके सीक्वेंसेस जनरेट हो जाएंगे फॉर एवरी सेंटेंस ठीक है यू कैन सी हमारा पहला सेंटेंस क्या था गो इंडिया तो उसने क्या किया जाके देखा कि गो का इंडेक्स क्या है टेन और इंडिया का इंडेक्स क्या है टू तो उसने क्या किया नीचे जाके रिप्लेस कर दिया उस वर्ड को टेन कॉमा टू से ठीक है तो यही हमारा सेंटेंस से सीक्वेंस बन गया ठीक है अब लास्ट स्टेप क्या बचा सिंस ये सारे सेंटेंसेस में जो सीक्वेंस का साइज है वो अलग अलग है तो आप क्या करोगे पैडिंग अप्लाई करोगे तो वही हमने नेक्स्ट स्टेप में किया है केराज के यूटिल्स में दर इज अ मॉड्यूल कॉल्ड पैड सीक्वेंसेस और पैड सीक्वेंसेस में आपने सीक्वेंसेस को पास कर दिया ये है सीक्वेंसेस ठीक है और आपने यहाँ पे बता दिया कि पैडिंग जो है वो पोस्ट होगा पोस्ट का मतलब बाद में जीरोज लगेंगे आप प्री भी कर सकते हो जैसे आपने ये किया ये देखो गाइस ये रहा आपका सीक्वेंसेस ठीक है और इस तरीके से हमारा इनपुट डेटा तैयार हो गया ठीक है तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया कि आप इनपुट डेटा को प्रिपेयर कैसे करते हो टेक्स्ट को नंबर्स में या वेक्टर्स में कन्वर्ट कैसे करते हो चलो गाइस अब मैं आपको एक प्रॉपर सेंटिमेंट एनालिसिस का कोड रन करके दिखाता हूं सो so, हम लोग एक डेटा सेट यूज करेंगे जो केराज लाइब्रेरी में बिल्ट होता है डेटा सेट का नाम है आई एम डी बी सो इस डेटा सेट में आपको आई एम डी बी के रिव्यूज और उनका सेंटिमेंट मिलता है ठीक है तो द गुड पार्ट अबाउट दिस डेटा सेट इज कि ये पहले से केराज लाइब्रेरी में है और प्री प्रोसेस्ड है ठीक है सो so दैट आप डायरेक्टली इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर यू कैन सी मैंने सबसे पहले लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट किया सिक्वेंशियल uh, मॉडल को इम्पोर्ट किया है डेंस लेयर को इम्पोर्ट किया है सिंपल आर एन एन लेर को इम्पोर्ट किया है एम्बेडिंग टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मैंने यूज नहीं किया है बट मैंने इम्पोर्ट कर लिया है आगे मैं इसको यूज करूंगा अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो आई एम डी बी से लोड डेटा को कॉल कर रहे हो और आप डेटा को यहाँ पे लोड कर रहे हो ठीक है तो एक बार इस कोड को रन करते हैं तो यू कैन सी डाउनलोड हो रहा है ये अब यहाँ पर ये जो डेटा सेट है ये ऑलरेडी टोकनाइज है इनफैक्ट ये इंटीजर एनकोडेड भी पहले से ही है सो यू कैन सी अगर आप एक्स ट्रेन को लोड करते हो सबसे पहले तो अगर आप एक्स ट्रेन का शेप निकालो तो आपको दिखाई देगा कि हमारे पास नंबर ऑफ रिव्यूज जो है वो है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्रेनिंग डेटा में और अगर आप टेस्ट पे जाओ तो हमारे पास रोज टेस्ट में भी है आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पर कोई भी सेंटेंसेस या वर्ड्स नहीं है तो एक्चुअली क्या है कि ये डेटा पहले से प्री प्रोसेस्ड है और इंटीजर एनकोडेड है सो so, अभी जो मैंने आपको चीज दिखाई थी जहां पर हम क्या कर रहे थे कि सारे वोकैबलरी को एक बार एनालाइज करके हर वर्ड को एक इंटीजर एलोकेट कर रहे थे ये काम पहले से हो चुका है ठीक है दैट इज वाई जब आप पहला रिव्यू निकालोगे लाइक एक्सट्रीम जीरो निकालोगे यू वुड सी रादर देन सींग सेंटेंसेज यू आर एक्चुअली सींग दीज नंबर ठीक है तो ये नंबर कहाँ से आ रहा है इंटीजर एनकोडिंग से हमने वोकैबलरी में हर वर्ड को एक इंटीजर असाइन किया है और rather than using the word हमारे पास वो नंबर है ठीक है तो एक हमारा जो मेहनत हमें करना था वो बच गया ठीक है अब गोइंग फॉरवर्ड सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने सारे के सारे जो रिव्यूज हैं उनका लेंथ बराबर करेंगे ठीक है क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो अगर आप एक्स ट्रेन जीरो का लेंथ निकालते हो तो यू वुड सी कि इसका लेंथ है 218 इसका मतलब जो पहला रिव्यू है आपके डेटा सेट में उसमें 218 वर्ड्स है बट अगर आप दूसरे रिव्यू को निकालो तो उसमें 189 है तीसरे को निकालो तो, उसमें 141 है. तो हम क्या करेंगे हम पैडिंग करेंगे ठीक है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले करके दिखाया अब आप पैडिंग में वही टेक्निक यूज कर सकते हो जो आपने थोड़ी देर पहले किया बट मैं क्या कर रहा हूँ मैं इस पूरे डेटा सेट को ट्रिम कर रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि मुझे हर रिव्यू के सिर्फ पहले पचास वर्ड दो क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा बिकॉज जो डेटा है वो बहुत बड़ा हो जाता है और ट्रेनिंग करने में बहुत टाइम लगता है तो अगर आप अपने मशीन पे कर रहे हो और आपके पास टाइम है तो आप वो मत करो जो मैंने किया ठीक है मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं पैड सीक्वेंसेस को कॉल कर रहा हूँ और यहां पर एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ बेसिकली so मैं क्या कर रहा हूँ अपने हर रिव्यू को ट्रिम कर रहा हूँ so बाकी का इंफॉर्मेशन लूज कर रहा हूँ बट अगर आप अपने मशीन पे कर रहे हो आप बस इतना कर देना आप बस इतना कर देना ठीक है एंड आपका कोड पूरे के पूरे डेटा पे चलने लगेगा ठीक है बट सिंस मुझे ट्रेन करना है इस मॉडल को मैं फिलहाल ऐसा नहीं कर रहा मैंने इन दोनों कोड्स को रन किया और पैड नॉट डिफाइंड सो हम लोग इस कोर्ट को एक बार रन कर लेते हैं और नीचे आके uh, वापस हम लोग इस कोड को रन करते हैं और अब अगर आप देखो एक्सट्रीम डॉट शेप तो यू वुड सी कि आपके पास ट्वेंटी फाइव थाउजेंड रिव्यूज हैं, बट हर रिव्यू में देर आर फिफ्टी वर्ड इनफैक्ट आई कैन शो इट टू यू ये रहा मेरा एक्सट्रेन और ये रहा मेरा एक्सट्रेन का जीरो ठीक है ये रहा मेरा पहला रिव्यू कंसिस्टिंग ऑफ फिफ्टी वर्ड ठीक है अब यहां से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है हमने एक मॉडल बनाया सीक्वेंशियल मॉडल और अब हम क्या कर रहे हैं उस मॉडल में एक सिंपल आर एन एन कर रहे हैं विथ थर्टी टू नोट ठीक है nodes, और यहां पे हम इनपुट शेप प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारा इनपुट शेप क्या है फिफ्टी कॉमा वन ठीक है फिफ्टी कॉमा वन क्यों है फिफ्टी है टाइम स्टेप्स और वन है इनपुट फीचर्स ठीक है तो लेट मी शो यू इसका मतलब क्या हुआ देर आर फिफ्टी नंबर्स इन एवरी रिव्यू देर आर फिफ्टी नंबर्स ठीक है तो अब क्या होगा कि ये जो फिफ्टी है ये एक्चुअली टाइम स्टेप की तरह काम करेगा ठीक है और हर टाइम स्टेप में एक नंबर उठेगा और वह हमारे मॉडल में जाएगा ठीक है तो बेसिकली हमारे मॉडल का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है कि एक इनपुट नोड है फिर हमारा आर एन एन लेयर है और इस आर एन एन लेयर में देर आर थर्टी टू नोड्स ठीक है और ऑब्वियसली इस तरीके से ये कनेक्टेड है और फिर इसके आगे देर इज अ डेंस लेयर ठीक है जहाँ पे हमने एक सिग्मोइड लगा रखा है ठीक है सो होगा क्या जैसे आप इस रिव्यू को यूज़ करोगे तो सबसे पहले यहाँ से ट्वेंटी फाइव इंसर्ट होगा ठीक है पूरा का पूरा जो भी आर एन का फ्लो है वो होगा उसके बाद फिर यहाँ पे ट्वेंटी सिक्स आएगा फिर नेक्स्ट टाइम स्टेप टू पे या टाइम स्टेप थ्री पे यहाँ पे एटीन आएगा फिर टाइम स्टेप थ्री पे आ, फोर पे यहाँ पे नाइनटीन आएगा और ऐसे करके ये सारे नंबर्स घुसेंगे और लास्ट में इवेंचुअली आपको यहाँ से वाई हार्ट मिल जाएगा ठीक है अगर आपसे मैं पूछूँ कि कितने पैरामीटर्स हैं यहाँ पे इस पूरे के पूरे मॉडल में तो आप बहुत ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पर आपके पास वन कॉमा थर्टी टू वेट्स हैं फिर यहां पर आपके थर्टी टू बायसेज हैं फिर यहां पे आपका थर्टी टू क्रॉस थर्टी टू वेट्स और हैं फीडबैक वाले ठीक है और फिर आपके यहां पे थर्टी टू क्रॉस वन वेट्स यहां पर हैं और यहां पर आपका एक बायस है ठीक है तो इन टोटल आपके वेट्स कितने हैं थर्टी टू प्लस थर्टी टू प्लस थर्टी टू मल्टीप्लाइड बाय थर्टी टू ठीक है 32 plus 32 plus 32 अगर आप इस नंबर को कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा सिक्सटी फोर प्लस थर्टी टू मल्टीप्लाइड बाई थर्टी टू वन जीरो एट एट वन जीरो एट एट आपके वेट्स हो गए टोटल मिला के तो अगर मैं कोड में वापस जाऊं तो आपको मैं दिखा सकता हूं कि सिंपल आर एन एन में देर आर वन जीरो एट एट पैरामीटर्स एंड डेंस लेयर में आपके थर्टी थ्री पैरामीटर्स हैं वेट थर्टी टू और एक बायस ठीक है आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आ रही है अब यहाँ पर एक और चीज है रिटर्न सीक्वेंसेस को मैंने फॉल्स कर रखा है ठीक है सो मैंने सो आप... so, मैंने आपको बताया था कि होता क्या है कि हर टाइम स्टेप में आप कुछ इनपुट देते हो जैसे कि 25 और आप पिछले वाले टाइम स्टेप का भी जो आउटपुट है टी माइनस वन वो भी यहां से फीड करते हो और फिर यहां से निकलता है ओ टी जो फिर अगले वाले टाइम स्टेप में जाता है ठीक है तो ये पूरे टाइम कैलकुलेट होता रहता है तो अगर आपने रिटर्न सीक्वेंसेस को फॉल्स बता रखा है तो फिर ये नॉर्मल फ्लो चलेगा बट अगर आपने रिटर्न सीक्वेंसेस को ट्रू कर लिया तो ये जो आउटपुट है ये आप एक्चुअली हर बार बाहर भी भेजते हो हर बार ये आउटपुट बाहर जाएगा मतलब आपके पास आएगा प्रोग्रामर के पास आएगा बट बट अगर आपने इसको फॉल्स बना रखा है तो ये वाला आउटपुट बाहर नहीं मिलेगा ये सिस्टम में अंदर ही रहेगा और इवेंचुअली लास्ट टाइम स्टेप में वाई हेट बन के निकलेगा ठीक है तो बस ऐसे समझ लो कि सेंटिमेंट एनालिसिस में हमें रिटर्न सिक्वेंसिस फॉल्स रखना है बिकॉज हमें लास्ट टाइम स्टेप पर जो आउटपुट है वो चाहिए बट हो सकता है देर आर सर्टेन एनएलपी टास्क लाइक नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन जहां पर आप हर वर्ड को जब भेजते हो तो हर वर्ड के अगेंस्ट आपको पता करना होता है कि वो वर्ब है आई एम सॉरी वो वो हमारे काम की चीज़ है कि नहीं इज़ इट अ एंटिटी और नॉट ठीक है सिमिलरली अगर आप मशीन ट्रांसलेशन कर रहे हो जहाँ पे आप एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे भी हो सकता है कि आपको हर स्टेप पे ये आउटपुट चाहिए हो तो वहाँ पर आप क्या करोगे रादर देन हैविंग रिटर्न सिक्वेंसेज फॉल्स यू विल कीप इट एज़ ट्रू डोंट वरी अगर आपको ये भी समझ में नहीं भी आ रहा है आगे गोइंग फॉरवर्ड हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे वहाँ पे मैं आपको uh,

रीजन ये भी था कि हमने सारे वर्ड्स यूज नहीं किए हमारे रिव्यूज के सिर्फ फिफ्टी वर्ड्स यूज किए हैं और सेकेंड हमने बहुत ई पॉक्स चलाया नहीं है ऑल्सो और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है अभी हमारा गोल बेस्ट मॉडल अचीव करना नहीं था हमारा गोल था ये समझना कि आप जो आपने लास्ट वीडियो में सीखा आ इनके बारे में उसको कोड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो तो आई होप आपको पहली चीज समझ में आ गई अब मैं आपको एक दूसरा वर्कफ्लो दिखाता हूँ बोला जाता है एम्बेडिंग्स और वो आपको जनरली बेटर रिजल्ट देगा इस टेक्निक आप लोग आर एन एन में बहुत देखोगे वो है एम्बेडिंग ठीक है सो so, एक बार मैं आपको बताता हूँ एम्बेडिंग क्या होता है ऑल दो अगर आपने मेरा एन एल प्लेलिस्ट देखा होगा वहाँ पे मैंने एम्बेडिंग्स के बारे में बहुत डिटेल में बातचीत की है बट एक बार फिर से एक छोटा सा रिविजन लेते हैं यहाँ पर देर इज़ अ डेफिनेशन जो मैंने विकीपीडिया से उठाया सो इन एन एल पी वर्ड एम्बेडिंग या फिर एम्बेडिंग इज अ टर्म यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स फॉर टेक्स्ट एनालिसिस टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ रियल वैल्यूड वैक्टर्स दैट एनकोर्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड सच दैट द वर्ड्स दैट आर क्लोजर इन द वैक्टर्स स्पेस आर एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर इन मीनिंग सो बेसिक फंडा ये है कि आप क्या करते हो आप जो भी वर्ड्स हैं दिस इज़ नाइस आप क्या करते हो पूरे डॉक्यूमेंट के बेसिस पे पूरे डॉक्यूमेंट को देखने के बाद हर वर्ड को एक वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हो ठीक है अब ये जो वेक्टर होता है ये डेंस होता है डेंस होने का मतलब जो वैल्यूज़ हैं वो नॉन ज़ीरो हैं अभी तक आप जो भी टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स देख रहे थे वो एक्चुअली स्पार्स रिप्रेजेंटेशन होता है स्पार्स रिप्रेजेंटेशन का मतलब बहुत सारी वैल्यूज ज़ीरो होती हैं जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लो आपके पास एक सेंटिमेंट एनालिसिस प्रॉब्लम है जहाँ पे आपके पास मल्टीपल रिव्यूज़ हैं रिव्यू वन रिव्यू टू एंड सो ऑन अब मान लो ये जो रिव्यू टू है ये सबसे बड़ा है और इसमें टू थाउजेंड वर्ड्स हैं और मान लो रिव्यू वन जो है इसमें सिर्फ ट्वेंटी वर्ड्स हैं तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो टेक्निक पढ़ा था उसके हिसाब से आप क्या करोगे सबसे पहले इंटीजर इनकोडिंग करोगे सो so बेसिकली आपको एक वेक्टर मिलेगा जिसमें ट्वेंटी नंबर्स होंगे बट फिर आपको सबको बराबर पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा पैडिंग करना पड़ेगा तो सोचो जब आप इस ट्वेंटी वाले को पैडिंग करोगे तो आप इन ट्वेंटी नंबर्स के आगे आ, बहुत सारे मतलब वन नाइन एट ज़ीरो जीरोज लगाओगे सो so बेसिकली आपके पास एक बड़ा सा वेक्टर आ जाएगा जिसमें देर आर टू थाउजेंड नंबर्स बट इनमें से वन नाइन एट ज़ीरो नंबर्स आर ज़ीरो तो इट विल बी अ स्पार्स वेक्टर जिसमें बहुत सारी वैल्यूज ज़ीरो हैं काम की नहीं है तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब आप वर्ड एम्बेडिंग यूज़ करते हो तो आप जो वैक्टर रिप्रेजेंटेशन क्रिएट करते हो वो डेंस होता है मतलब ज़्यादातर वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो होती हैं काम की होती है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो वर्ड एम्बेडिंग है वो सिमेंटिक मीनिंग कैप्चर कर पाता है इसका मतलब यह हुआ कि वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हो रहा है यह समझ पाता है हमारा एम्बेडिंग वाला टेक्निक ठीक है तो ये एक और बेनिफिट है जिसकी वजह से आप ज़्यादा अच्छे मॉडल्स डेवलप कर पाते हो तो दो बेनिफिट्स क्या हैं पहला डेंस रिप्रेजेंटेशन होता है ज़्यादातर वैल्यूज नॉन ज़ीरो होती हैं जिसकी वजह से डायमेंशनस कम होते हैं मतलब यहाँ पे जैसे टू थाउजेंड डायमेंशन का बन रहा है यहाँ पे आप चाहो तो थर्टी टू डायमेंशन में ही अपना काम चला सकते हो सेकेंड बेनिफिट इज की सीमेंटिक मीनिंग कैप्चर कर पाता है यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड्स दैट आर क्लोजर इन वैक्टर स्पेस आर एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर इन मीनिंग मीनिंग समझ पाता है ये तरीका ठीक है और थर्ड पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना है वो ये है कि आप कुछ ये नया नहीं पढ़ रहे हो आपने एन में शायद वर्ड टू वैक के बारे में सुना होगा या फिर आपने ग्लोव के बारे में सुना होगा ये सब वर्ड एम्बेडिंग टेक्निक्स ही हैं डीप लर्निंग में क्या होता है कि आप चाहो तो जो मॉडल आप बना रहे हो उसके ट्रेनिंग प्रोसेस में ही आप एक एम्बेडिंग लर्न कर सकते हो इफ़ यू वांट ठीक है सो बेसिकली कहराज में देर इज़ अ थिंग कॉल्ड एम्बेडिंग लेर आप क्या कर सकते हो कि अपने आर एन एन मॉडल में पहले शुरू में यू कैन पुट अ एम्बेडिंग लेयर जो ऑटोमेटिकली क्या करेगा डेंस रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर देगा आपके सारे वर्ड्स का और उस रिप्रेजेंटेशन को इस आर एन एन के अंदर भेजेगा पहले जो आप स्पार्स रिप्रेजेंटेशन भेज रहे थे इंटीजर एनकोडिंग करके उसके बदले आप ये डेंस रिप्रेजेंटेशन भेजोगे इस आर में और ये अब आपका सेंटिमेंट एनालिसिस करके देगा ठीक है तो इन शॉर्ट फायदा ये होता है कि आपको बेटर रिजल्ट मिल जाते हैं ठीक है तो अब मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा कि केरास का एम्बेडिंग लेयर जो होता है वो कैसे काम करता है ठीक है केराज में कैम एम्बेडिंग लेयर को अप्लाई करना बहुत ही आसान होता है आपको बेसिकली ये मेक श्योर sure करना होता है कि आप जो भी डेटा इनपुट कर रहे हो एम्बेडिंग लेयर के अंदर वो इंटीजर एनकोडेड होना चाहिए दैट्स इट बाकी एम्बेडिंग लेयर ऑटोमेटिकली सब कुछ हैंडल कर लेता है ठीक है तो मैं आपको सेम एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि एम्बेडिंग लेयर कैसे काम कर रहा है हमने फिर से वही डॉक्यूमेंट लिया है जिसमें देर आर टेन सेंटेंसेस ठीक है उसके बाद हमें सबसे पहले टोकनाइज करना है तो हमने टोकनाइजर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और फिट ऑन टेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर लिया ठीक है अब ये करने के बाद हमें पता चला कि हमारी वोकैबलरी में देर आर सेवनटीन यूनिक वर्ड्स ठीक है तो हमने फिर क्या किया हमने टेक्स्ट टू सीक्वेंसेस फंक्शन को कॉल करके सीक्वेंसेस जनरेट कर लिए और ये रहे हमारे सारे के सारे टेन सेंटेंसेस के सीक्वेंसेस राइट right? ये आप पहले भी कर चुके हो अब इसके बाद हमें पैडिंग करनी पड़ेगी क्योंकि वी हैव टू मेक श्योर जो हम इनपुट दे रहे हैं वो सारे बराबर शेप का हो तो हमने पैड सीक्वेंसेस कर दिया पैडिंग पोस्ट में डाल दिया एंड आफ्टर दैट दिस इज हाउ आवर इनपुट डेटा इज लुकिंग यहां तक सब ठीक है अब यहां से आप मेन काम स्टार्ट करोगे आप एक केरा सीक्वेंशियल मॉडल फॉर्म करते हो और फिर आप उसमें ऐड करते हो एक एम्बेडिंग लेयर ठीक है अब एम्बेडिंग लेयर में आपको तीन चीजें बतानी होती हैं पहला कि आपका टोटल वोकैबलरी लेंथ कितना है मतलब कितने यूनिक वर्ड्स हैं आपकी वोकैबलरी में ठीक है सेकेंड आप बताते हो कि आप जो एम्बेडिंग फॉर्म करना चाहते हो उसका आउटपुट डायमेंशन कितना होगा आप जो डेंस वेक्टर बनाना चाहते हो उसका डिमेंशन कितना है सो so बेसिकली अगर आपने यहाँ पे टू डाल दिया तो इसका मतलब है कि आप हर वर्ड को दो नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हो अब आप यहाँ पे टू भी डाल सकते हो टू हंड्रेड भी डाल सकते हो ये आपके ऊपर है दिस इज लाइक अ हाइपर पैरामीटर आप ट्यून करके बेस्ट वैल्यू निकालते हो एंड द लास्ट थिंग इज इनपुट लेंथ यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपके पास कितने वर्ड्स हैं ठीक है तो ये बन गया आपका मॉडल ठीक है जैसे ही आप इस मॉडल को बनाते हो तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसका आर्किटेक्चर कैसा दिखेगा हमारे केस जैसे ही आप इस मॉडल को बनाते हो तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसका आर्किटेक्चर कैसा दिखेगा हमारे केस में क्या होगा कि हमारे पास इस तरीके से वर्ड्स हैं ये हमारा पहला रिव्यू था ठीक है ये हमारा पहला रिव्यू था तो बेसिकली एवरी रिव्यू कंसिस्ट ऑफ फाइव नंबर्स और फाइव वर्ड्स ठीक है एंड इन टोटल देर आर सेवनटीन वर्ड्स तो आप क्या कर रहे हो आप एक्चुअली एक न्यूरल नेटवर्क फॉर्म कर रहे हो जिसमें इनपुट में देर आर सेवनटीन नोड्स एंड देन देर आर टू मोर नोड्स इन द आउटपुट लेयर ठीक है इसका मतलब यहां पे देर आर वेट्स जो सेवनटीन क्रॉस टू है ठीक है तो अब क्या होगा कि आप एक एक करके इन वर्ड्स को उठाओगे और यहां पे भेजोगे और आप हर वर्ड को एक सेवेंटीन डायमेंशनल वेक्टर की तरह यहां पे भेजोगे ठीक है वन हॉट इनकोडिंग कर सकते हो वो ऑटोमेटिकली इंटरनली हो जाता है ठीक है और ये जो ये जो सारे वेट्स हैं ये रैंडमली इनिशियलाइज है अब होगा क्या ये पूरा का पूरा जो लेयर है ये आपके आगे आर के साथ ट्रेन होता है ठीक है बैक प्रोपकेशन वगैरह सब कुछ होता है सो so बेसिकली आप इन वेट्स का बेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हो और यही होता है पूरे एम्बेडिंग के प्रोसेस में ठीक है एट द एंड आपको यहाँ से दो नंबर्स मिलेंगे फॉर एवरी वर्ड जैसे आपने यहाँ से ये वर्ड डाला नाइन तो आपको बेसिकली यहाँ पे दो नंबर्स मिलेंगे तो ये जो दो नंबर्स हैं ये रिप्रेजेंटेशन है हर वर्ड का ठीक है सो so, होगा क्या जब आप एक पूरा रिव्यू डाल दोगे जब आप एक पूरा रिव्यू डाल दोगे तो फॉर एवरी वर्ड यू विल गेट अ डेंस वेक्टर लाइक दिस सो हमारे पास टोटल मिला के इस तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा जो पहले पांच नंबर्स थे अब पर नंबर टू मोर नंबर्स वुड बी देर तो यही मैंने यहां पर किया है हमारे नोटबुक में यहां पर मैंने मॉडल को ट्रेन नहीं किया है मैं डायरेक्टली आपको इनिशियल वेट्स के ऊपर ही प्रोडिक्शन करके दिखा रहा हूँ so आप मॉडल डॉट प्रोडिक्स में सीक्वेंसेस भेज रहे हो सो so होगा क्या कि हमारे पास दिस इज सीक्वेंस so for every review what you will get is this kaise dekho samajh mein aa jayega aapko so for every word you are getting two words theek hai for every word you are getting two words ठीक है फिर आगे के तीनों zero के लिए two two words तो basically ये जो पूरा चीज है दिस इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन रिव्यू देन दिस इज अजेंटेशन ऑफ द सेकेंड रिव्यू ये थर्ड के लिए ये फोर्थ के लिए और इस तरीके से दस रिव्यूज के लिए आपको टेन टेन नंबर्स का एक वैक्टर मिल रहा है ठीक है तो आई होप आपको समझ में आ गया कि आप एम्बेडिंग कैसे क्रिएट करते हो चलो नो दैट वी नो कि एम्बेडिंग लेर कैसे काम करता है मैं आपको फिर से सेम आईएमडीबी डेटा के ऊपर एम्बेडिंग वाला वर्क फ्लो चला के दिखाता हूँ ठीक है so, सो यहाँ पर यू कैन सी हमने सारी चीजें इम्पोर्ट की हैं यहाँ पे हमने डेटा को फिर से इम्पोर्ट किया यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम हमारे सारे रिव्यूज को शॉर्ट एन कर दे रहे हैं सो एवरी रिव्यू विल कंटेन ओनली फिफ्टी वर्ड्स ठीक है कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो फिफ्टी वर्ड्स हो जाएंगे ठीक है ये रहा हमारा एक्सट्रेन का शेप इट इज करेंटली ट्वेंटी फाइव थाउजेंड कॉमा फिफ्टी अब यहाँ पे देखो मेन चीज स्टार्ट होती है आर्किटेक्चर ऑफ आर मॉडल सो सीक्वेंशियल मॉडल हम क्रिएट कर रहे हैं और सबसे पहले हमने क्या किया हमने एम्बेडिंग लेयर एड किया ठीक है सो एम्बेडिंग लेयर में आपने सबसे पहले बता दिया कि आपका वोकैबलरी साइज इज टेन थाउजेंड एक्चुअली इससे ज्यादा है बट मैंने फिलहाल टेन थाउजेंड पर लिमिट कर दिया ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपने बता दिया कि फॉर एवरी वर्ड आई वॉन्ट अ डेंस वेक्टर ऑफ डायमेंशन टू ठीक है और थर्ड आपको इनपुट साइज बताना था जो कि फिफ्टी होगा आ, सो आप वहां पे लिख सकते हो फिफ्टी ठीक है उसके बाद आपने क्या किया एम्बेडिंग से जो भी आउटपुट निकल रहा है उसको आपने डायरेक्टली एड कर दिया सिंपल आर एन एन लेर पे विथ थर्टी टू नोट्स रिटर्न सीक्वेंसेस फॉल्स है मतलब बीच वाले टाइम स्टेप्स में आउटपुट बाहर नहीं निकलेगा ठीक है और लास्ट में देर इज अ डेंस लेथ वन नोट और एक्टिवेशन इज ठीक है सो अगर मैं आपको एक बार दिखाना चाहूं तो इस पूरे मॉडल का आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है कि सबसे पहले देर इज अ एम्बेडिंग लेयर, जिसको इनपुट मिल रहा है टेन थाउजेंड डायमेंशन का ठीक है और ये हमारा आउटपुट है एम्बेडिंग का टू डायमेंशनल ठीक है यहां से आउटपुट जा रहा है हमारे आरएनएन में और उस आर एन एन में देर आर थर्टी टू न्यूरॉन्स और फिर यहाँ से आउटपुट जा रहा है हमारे सिग्मोइड में ठीक है तो अगर आप वेट्स की बात करो तो यहाँ पर आपके पास होंगे टेन थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय टू वेट्स ठीक है फिर हर वर्ड के लिए यहाँ से आपको आ, दो दो डायमेंशन का आउटपुट मिलेगा उसको आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हो सो so, यहाँ पर आपके पास टोटल वेट्स हो जाएंगे टू मल्टीप्लाइड बाय थर्टी टू सिक्सटी फोर ठीक है फिर ये फीडबैक वाले कनेक्शंस होंगे थर्टी टू मल्टीप्लाइड बाय थर्टी टू और फिर यहाँ पे देर वुड बी थर्टी टू वेट्स ठीक है इतने वेट्स होंगे बायस का अगर आप बात करो तो यहाँ पर थर्टी बायस होगा और यहाँ पर वन बायस होगा ठीक है तो दिस इज़ द आर्किटेक्चर

You are gaining higher accuracies of around 80%, है? जो फि रुका हुआ था वो अराउंड एट्टी पे आ गया ऑल दो थोड़ा अंडर ओवर फिटिंग हो रहा है नाइनटी एट परसेंट ट्रेनिंग पे पहुंच रहा है बट टेस्टिंग पे सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सेवन पे रुक जा रहा है तो वो आगे की बात है ओवर फिटिंग को कैसे रिड्यूस करना है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे बट राइट नाउ मेरा मेन गोल था आपको फ्लो समझाना कि केराज में आप कैसे सिंपल आर एन एन को यूज करते हो विथ टू डिफरेंट अप्रोचेस वन वॉज द सेकेंड वन वाज एम्बेडिंग वाला अप्रोच ठीक है अब एक चीज और आप चाहो तो अपने मॉडल के साथ एम्बेडिंग लेयर डाल करके एम्बेडिंग्स लर्न कर सकते हो या फिर आप प्री ट्रेन भी यूज कर सकते हो लाइक वर्ड टू वैक और ग्लोव वो आपके ऊपर है ठीक है जनरली डिपेंडिंग ऑन द डेटा सेट आई वुड से मॉडल के साथ ट्रेन करने से आपको ज्यादा फायदा मिलता है बिकॉज आपके पास जो एम्बेडिंग्स जनरेट होती हैं वो एक्चुअली आपके डेटा सेट के हिसाब से जनरेट होती हैं ज्यादा कस्टम होती हैं और आपके डेटा सेट के अंदर जो सिमेंटिक मीनिंग है उसको कैप्चर कर पाती हैं, ठीक है सो आई होप आपको ये पूरा फ्लो समझ में आया अब गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वीडियो आर गोल इज टू अंडरस्टैंड हाउ बैक प्रोपोगेशन वर्क इन एन आर सो दैट वॉज द वीडियो गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आया साथ ही साथ समझ में आया आई वुड रिकमेंड आप इन कोर्ट्स को एक बार खुद रन करके देखो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय